यार इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन तो दे दिया मैंने आवाज़ न मेलाई बार गई हूँ कि नहीं आई हूँ लाइव ओके ऑल पहले ही बोल देते मैं यहाँ पर आई थी तभी मेरे को वापस उसको सही करना पड़ा गॉट इट गॉट इट गॉट इट यस टीम वी आर लाइव थैंक यू थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग हाय निधि हाय शिवेश हाय महेश हाय विनीता हाय अंशुमान हाय मुस्कान हाय सिमरन हाय चवी हाय सम्यक हाय गुप्ता कैसे हो विवेक क्या हाल है विक्की हाय निखिल हाउ आर यू अप हाय संजना सम्या कैसे हो शिवेश हाय हेलो अभिषेक हाय प्रीत कैसे हो निखिल क्या हाल है वर्षा हाँ जी जी हमारा डीसीएस जी 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 अंशुमन आई कनेक्ट विद यू आफ्टर दिस क्लास आफ्टरनून हाय ट्विंकल हाय नेहा हाय अनुज हाय छवी हाय महिमा कैसे हो सिमरन हाय महमूद हाउ आर यू प्रीति हाय अंशुल हाय सुकून हाय भावना शाम्बवी हाय शाम्बवी वॉच अप रिविजन सीरीज़ है यार ये एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ हम लोग ने अभी गए बीते दिन लॉन्च की थी परसों ही लॉन्च की थी जुनून सीरीज़ है ना अब मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं पढ़ना कि चलो इंग्लिश तो अभी पढ़ लेते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आप रिविजन कर रहे हैं दोनों के लिए सीरीज काम में आने वाली है पर 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 उससे पहले जरा जल्दी से जल्दी से क्लास को शेयर कर दो मैम इस बार कुछ ऐसा कराना कि मजा आ जाए <laughs> तो यार एक दो चीजें हैं देखो पहली चीज मैं आपको बताती हूँ मैं पहली चीज आपको बताती हूँ आज की क्लास में क्या होने वाला है और आज के दिन में भी क्या होने वाला है मीन आप क्लास शेयर कर दो यार शेयरिंग में कंजूसी मत करो और मेरे को पता है ये जो बच्चे ऐसे कहते हैं ना शेयर कर दी पर करते नहीं उनको बहुत पाप लगता है बाद में जाके मैं आपको बता दे रही हूँ इसके लिए ना जल्दी से क्लास शेयर करो और जब तक मैं आपको बताती हूँ आज हमने क्या क्या प्लान किया है आपके लिए इस सीरीज में भी मैंने क्या क्या प्लान किया हुआ है <coughs> हम्म <coughs> 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 सबसे पहली चीज देखो आज हम क्या करने वाले लास्ट लेसन को कंप्लीट करेंगे एनसीआर से यानी कि आपको बुक लेकर बैठना है और मैं आपके सामने कुछ चीजें जो है वो हाईलाइट करके आपको चैप्टर कंप्लीट करवा देने वाली हूँ ठीक है इससे क्या होगा जो भी बच्चे एनसीआर को अकेले नहीं पढ़ पाए हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर मार्क नहीं करी हैं उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एनसीआर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने की सबसे पहली बात तो ये हो गई ठीक है इसके बाद में मेरे को पता है आप इतने आलसी हो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि किताब आपकी वापस खुले भी ना मेरे को पूरा भरोसा है मेरी बच्चा पार्टी पे फुल फुलसा है तो फिर मैं क्या करूंगी फिर मैं ये एनसीआर को आपको ठीक है टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगी अच्छा टेलीग्राम पे मैम कैसे सेंड करोगे क्या आप यही पीडीएफ सेंड करोगे नहीं मैं क्या करूंगी टेलीग्राम पे इसका वर्ड पीडीएफ वर्जन सेंड कर दूंगी ठीक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीआर लिखे होंगे ठीक है अब इससे क्या फायदा होगा मेरे बच्चा पार्टी को इससे फायदा यह होगा कि वो प्रिंट निकाल सकते हैं और पूरा एनसीईआरटी नहीं सिर्फ और सिर्फ की वर्ड और की फ्रेजेस की एक लिस्ट उनके पास में आ जाएगी तो जब रिवीजन करेंगे मेरा बच्चा पार्टी तो क्या होगा सामने सिर्फ और सिर्फ वो चीजें लिखी हुई होंगी जो कि एनसीईआरटी में याद रखनी जरूरी है जो अपने आंसर में मेंशन करनी जरूरी है सही है ना सही है ना बोलो सही है ना तो ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं यहाँ पे इसके साथ में हम क्या करने वाले हैं इसके साथ में हम लगाने वाले हैं इसके आज देखेंगे आखिरकार इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ठीक है और ये भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी तो ये दोनों चीजें आज के सेशन के अंदर हो जाने वाली है ये दोनों चीजें हो जाएंगी ठीक है तो मैं आपको टेलीग्राम अच्छा ये टेलीग्राम पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पर अभी टीम से क्या कर डलवा देती हूँ ऊपर पिन हो जाएगा टेलीग्राम नहीं तो कम्युनिटी जो है ना अपनी अड्डा वाली उसके ऊपर मिल जाएगा नहीं तो लर्न विद्रा पर मिल जाएगा आपको ठीक है तो कहीं ना कहीं आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगा जिसका भी हिस्सा हो ना जिस भी ग्रुप का आप हिस्सा हो आपको वहां पर मिल जाएगा ये ठीक है ठीक है, ठीक है है कितने आर की क्लास है एक घंटे के अंदर खत्म कर देंगे है ना तो ये हो गया आपका आज का अभी इस सेशन में क्या करना है इसके बाद में एक सेशन और है ठीक है इसके बाद में एक सेशन और है मेरे ख्याल से ढाई बजे टू थर्टी टू थ्री थर्टी एक सेशन और लगाया आज आपका और वो जो सेशन है ना जितने भी बच्चे राइटिंग स्किल कह रहे थे राइटिंग स्किल को कंटिन्यू करने वाले हैं राइटिंग स्किल के अंदर नोटिस राइटिंग हम लोगों ने कर लिया था इनविटेशन राइटिंग कर लिया था आज लेटर राइटिंग करेंगे आज लेटर राइटिंग करने वाले हैं ढाई बजे करने वाले हैं तो ये वाला सेशन भी ज्वाइन कर लेना जिन भी बच्चों को राइटिंग स्किल में तकलीफ है जिसको भी राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है ना वो यहाँ पर यहाँ पर लेटर राइटिंग ज्वाइन कर लेंगे ढाई बजे ठीक है आज सिर्फ लास्ट लेसन होगा हाँ रोज ऐसे ही करेंगे देखो आ, दो तीन चीजें हैं सबसे पहली चीज तो यह है कि आज आ, एक चैप्टर से शुरू कर रही हूं ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है कि यार कोई दो चैप्टर्स या दो फॉर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं तो कंबाइन करके क्लास लगा देंगे ताकि आपका थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए मैं चाह रही हूं कि जितना जल्दी आपका ये हाईलाइट वाला ये कंप्लीट हो जितनी जल्दी एनसीआरटी कंप्लीट हो उतना ज्यादा हम फोकस फिर प्रैक्टिस पे करें राइटिंग पे करें है ना तो वो हमें करना है है ना तो ये अपना आइडिया है चलो 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 शुरू करते हैं शुरू करते हैं लास्ट so लेसन बच्चों किसने लिखा है जल्दी से शुरू करेंगे क्लास को ऑल्फोंस डॉडेट ने लिखा है किसने लिखा है ऑलफॉन्स डॉडेट ऑलफोन्स डॉडेट जो है यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को क्या बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम बहुत बार लाइटली ले लेते हैं ऐसी चीजों को जो हमारे पास में अबंडेंस में होती है हमारे पास खूब होती है हम उन चीजों को लाइटली ले लेते हैं और जब वो चीजें हमसे दूर चली जाती है तब जाकर हमें उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है तो ये बात जो है हमें ऑल्फॉन्स ड्रॉडिट ने इस चैप्टर के थ्रू समझाई है चैप्टर का थीम भी यही है तो चलो फिर इसी बात पर चैप्टर को शुरू भी कर लिया जाए

वो स्कूल को बहुत ही जल्दी स्कूल के लिए बहुत ही जल्दी यू नो उसको याद आ जाती है कि अरे अच्छा आज तो स्कूल है और अब मेरे को निकलना चाहिए ठीक है और ऐसे टाइम पर वो निकल रहा होता है कि शायद स्कूल वहां शुरू हो गया होगा तो स्कूल बहुत ही लेट वो निकलता है स्कूल के लिए बहुत ही लेट वो वहां पर निकल रहा होता है और यहाँ से हमारी स्टोरी का जो है वो शुरुआत होता है तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन इंट्रोडक्शन भी आंसर के अंदर मैं कर सकते हैं तो वो स्कूल के लिए क्योंकि लेट निकलता है तो नेचुरल सी बात है कि उसे डर लगता है उसे डर लगता है किस चीज का डर लगता है उसे डर लगता है स्कोल्डिंग का उसे डर लगता है कि मुझे डांट पड़ने वाली है मुझे डांट पड़ेगी क्यों पड़ेगी दो रीजन की वजह से डांट पड़ने वाली है पहला रीजन स्कूल के लिए लेट निकला है तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा दूसरा रीजन उसके टीचर जो है है उन्होंने कहा है कि वो क्या करेंगे वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले हैं माफ कर लो इसको क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स उन्होंने बोला है कि अब मैं पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाला हूं आज तुमसे सवाल पूछे जाएंगे पार्टिसिपल्स पढ़ के आना तो दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन वो करने वाले पर हमारे फ्रेंड्स को एक शब्द नहीं आता ठीक तो है दिमाग में ख्याल चल रहा है क्या ख्याल चल रहा है कि मैं यहां से भाग जाता हूं उसे लग रहा है कि क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं ना स्कूल जाऊं ना घर जाऊं एंड इन फैक्ट ये पूरा दिन जो है वो बाहर आउट ऑफ डोर्स बाहर बिताऊ ठीक तो है तो क्यों ना ये पूरा दिन बाहर बिताऊं अच्छा बाहर क्यों बिताना है टेम्टेशन क्या थी क्वेश्चन बनता है बच्चों इसमें मार्क कर लेंगे

चिड़िया जो है वो चीची कर रही थी इसके साथ में प्रशियन सोल्जर्स जो है वो सौ मिल एट द बैक ऑफ द सौ मिल क्या कर रहे थे ड्रिलिंग कर रहे थे एक्सरसाइज कर रहे थे ठीक है मार्क करेंगे इसको है ना और यही लिखना है फिर ये सारे वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ ये सारी चीजें जो बता रही हूँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से हम लोग चैप्टर को भी याद रखेंगे और आंसर में भी इनको मेंशन करने वाले हैं फिर क्या होता है फिर चैप्टर के अंदर हम लोगों को पता चलता है कि ऐसा वो करता नहीं है और वो कहां चला जाता है स्कूल चला जाता है तो आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट बच्चों इस पे क्वेश्चन बना हुआ है क्वेश्चन बना हुआ है आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का क्या मतलब है क्यों बोला उसने ऐसा क्योंकि ये सब कुछ इतना टेंटिंग था कि सब कुछ उसको उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था कि अरे आजा आजा यार स्कूल मत जा क्या करेगा स्कूल जाके यहां पर ही टाइम स्पेंड कर बट देन ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट कि नहीं मैं स्कूल जाऊंगा मैं स्कूल जाकर ही रहूंगा और उसके लिए वो स्कूल की तरफ निकल जाता है अब इसके बाद में आया नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है कि अब इसके बाद में वो पहुंच जाता है टाउन हॉल ठीक है टाउन हॉल से वो गुजर रहा होता है और टाउन हॉल से गुजरते वक्त उसको देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने बुलेटिन बोर्ड के सामने वो भीड़ को जैसे ही देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि जरूर आज भी कोई बुरी खबर आई होगी अब ये बुरी खबर उसको क्यों लगती है क्योंकि पिछले 2 साल से बुरी खबरें ही आ रही थी क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पे कि पिछले दो साल से बुरी खबरें आ रही थी तो यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सी बुरी खबरें अभी तक आई थी द लॉस्ट बैटल्स द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड ये 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 सारी की सारी चीजें जो है अभी दो साल से यही बता रही थी कि भाई अब फ्रांस का वजूद जो है वो खत्म हो चुका है प्रशिया जीत चुका है हम तुम्हें डोमिनेट करने वाले और हम जो कहेंगे तुम्हें अब वही करना पड़ेगा ठीक है तो अब बेचारा वो सोच में पड़ जाता है कहता आज क्या कांड हो गया यार आज क्या बुरी खबर यहां पर आ गई है फिर कोई बात नहीं यहां पर वो रुकता नहीं है स्कूल की तरफ भागते रहता है और जब वो स्कूल की तरफ भागता है तो नेक्स्ट चीज जो उसके साथ होती है वो ये है कि ब्लैक स्मिथ वॉचर जो है ब्लैक स्मिथ वॉचर ब्लैक स्मिथ यानी लोहार वॉचर उनका नाम है वो जो है वो उन्हें रोकते हैं और क्या कहते हैं कहते हैं कॉल्ड आफ्टर मी कॉल्ड आफ्टर मी मतलब मुझे आवाज लगाते हैं और आवाज लगाकर क्या कहते हैं बच्चों मार्क करेंगे बाप यू विल गेट टू योर स्कूल इन plenty ऑफ टाइम वो कहते हैं अरे तू चिंता मत कर तू बहुत तेरे पास बहुत समय है तू आराम से स्कूल पहुंच जाएगा ठीक है तो गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी वो ऐसा कहते हैं इस पर, इस टाइम टाइम पर पर फ्रांस को क्या लगता है इसको ऐसा लगता है कि यार लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि स्कूल के लिए तो मैं बहुत ही भयंकर लेट हो चुका हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक बना रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे इनके सामने से लेट निकल के जा रहा हूँ वो कैसे जैसे भागते भागते एम के गार्डन में पहुंच जाता है और जब वो वहां पर पहुंचता है ठीक है तो उसको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है बच्चों ये जो डिफरेंस है इस पे क्वेश्चन बनता है मार्क करेंगे डिफरेंस पे क्वेश्चन बनता है यूजुअली स्कूल में क्या होता है और आज स्कूल में क्या था इस पे सवाल बनता है तो यूजुअली स्कूल में क्या होता था यूजुअली स्कूल के अंदर यूजुअली को मार्क करेंगे यूजुअली स्कूल के अंदर देयर वाज अ ग्रेट बसल बहुत ही ज्यादा शोरगुल हुआ करता था इतना शोरगुल हुआ करता था कि बाहर तक आवाज आती थी किस चीज का हुआ करता था बच्चों तो, कर क्वेश्चन मार्क कानों के आगे हाथ लगाकर यूनिजन में एक साथ पूरा लेसन जो है वो रिपीट कर रहे होते थे तो लेसन रिपीटेड इन यूनिजन ठीक है इसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि टीचर्स इसके बाद में एक चीज तो ये हो गई दूसरी चीज लेसन हो गई तीसरी चीज का किसका आवाज हो रहा होता था टीचर्स ऑन द टेबल तीसरी चीज थी क्या कर रहे होते थे? जो आ, आ, रूलर है, जो है स्केल होता है उसको टेबल पर रैप करते थे और कहते थे अरे हो जाओ दिस द फिश मार्केट हाँ फिश मार्केट है क्या ये ठीक है तो इस तरीके से वो डांट रहे होते तो ये सारी चीजों का शोरगुल होता था तीन चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है बट अगर इस डिफरेंस के ये तो यूजली होता था बट आज की अगर हम बात करते हैं तो आज सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्टिल था बहुत ही ज्यादा रुका हुआ था अब यहां पर प्रॉब्लम क्या थी मैम आज अगर सब कुछ बहुत ज्यादा स्टिल था बहुत ज्यादा रुका हुआ था तो फ्रांस को क्या दिक्कत हो गई दिक्कत ये हो गई दैट ही हैड काउंटेड ऑन दी कमोशन माफ करेंगे काउंटेड ऑन करना काउंटेडन का मतलब होता है, मतलब है शोरगुल तो उसने पूरा का पूरा भरोसा किया था उस शोरगुल पे उसने सोचा था कि इतने शोर के अंदर मैं कब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा किसी को पता ही नहीं चलेगा और इसीलिए मुझे डांट पड़ेगी ही नहीं पर आज आज ही उसके साथ ऐसा होना था कि आज का दिन किसी संडे मॉर्निंग से कम नहीं लग रहा था आज ही उसके साथ ऐसा होना था कि आज ही वो एकदम पूरा स्कूल जो है एकदम संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था ठीक है ठीक है ऐसा हुआ है ना तो ये मार्क कर लिया हमने आगे देखो फिर क्या हुआ अब जैसे यहाँ पर उसने कहा चलो कोई बात नहीं जो हो गया वो तो हो गया अब मेरे को फटाफट से सीट पे जाकर बैठ जाना है अब जब वो सीट पे जाने के लिए अपने क्लास की तरफ जा रहा था तो उसने देखा क्या क्या देखा सबसे पहले देखा कि क्लासमेट्स जो है क्लासमेट्स उनकी जगह पर ऑलरेडी बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि एमएमएल क्या कर रहे थे अप एंड डाउन विथ हिज रूलर एमएमएल चले जा रहे थे उनके रूलर के साथ में अब इसकी वजह से क्या हुआ फ्रांस को उनके सामने क्लासमेट्स और एमएमएल के सामने आ, आ, एंटर करना था तो जब ऐसा हुआ ना तो उसको इतना शर्म आ रहा था इतना शर्म आ रहा था उसे इतना डर लग रहा था कि यार मैं सबके सामने दरवाजा खोल के एंटर कर रहा हूं तो ये जो फीलिंग है ये फीलिंग जरूर मार्क करनी है हाउ आई एंड हाउ ब्लड आई वॉस मैं बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था और मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था अब यहां पर वो डरा हुआ था उसे लग रहा था कि आज तो बस एक पटे जोर से उसके यू नो स्केल पड़ जाने वाली है बट इतने में मालूम है क्या हुआ इतने में वहां पर वो शॉक हो गया क्योंकि एमएमएल ने ऐसा कुछ नहीं किया इनफैक्ट उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा गो टू योर विदाउट यू अरे जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो फ्रांस हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे बच्चों ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स एक्चुअली फ्रांस के लिए शॉकिंग थे माफ कर लोगे वर्ड्स क्या थे शॉकिंग थे वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था ये देख के कि ही वाली है। आज उसकी पिटाई होनी ही वाली है चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्या हुआ देखो फिर उसके बाद में क्या उसके बाद में वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और अभी तक पूरी तरीके से अपने डर से निकला ही नहीं था कि उसने क्या नोटिस किया कि एमएमएल आज अपने संडे क्लोथ्स में आए हैं एमएमएल अपने संडे क्लोथ्स में आए हैं तो देखो इस वाले पैराग्राफ के साइड में लिख लो संडे क्लोथ्स क्या लिखोगे संडे क्लोथ्स तो संडे क्लोथ्स लिख लो और अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई संडे क्लोथ्स कौन से थे क्या पहना था एमएमएल ने तो फिर क्या क्या लिखेंगे इसका आंसर संडे क्लोथ्स यानी उनका ब्यूटिफुल ग्रीन कोट उनकी फ्रिल्ड शर्ट उनकी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और ये सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था बच्चों संडे क्लोज यानी अच्छे कपड़े अच्छे कपड़े में फ्रांस ने जब एमएमएल को देखा तो शॉक क्यों हो गया क्यों हो गया शॉक वाई हाँ क्यों उसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था इसके लिए था क्योंकि वो यूजली ये कप पहनते थे माफ करो इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज प्राइस डेज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जब होता था या इंस्पेक्शन जब होना होता था तभी वो यूजुअली ये कपड़े पहना करते थे अदरवाइज वो नहीं पहनते थे इसीलिए उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था अच्छा अब इसके बाद में हमने देख लिया कि भाई वो अभी तक पूरी तरीके से निकल ही नहीं पाया था डर के डर से बाहर के उसे एमएमएल के संडे क्लोथ दिख गए पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और सोलम था ठीक है सोलम का मतलब होता है सीरियस तो पूरा का पूरा स्कूल भी स्ट्रेंज और सोलम था बट बच्चों ये सारी चीजें उसे शॉक और सरप्राइज कर ही जा रही थी कि इतने में एक बहुत ही बड़ा धमाका आ गया और वो बहुत बड़ा धमाका क्या था बैक बेंचेस बैक बेंचेस पे उस वक्त जो कि बैक बेंचेस हमेशा खाली रहा करती थी उस वक्त इन बैक बेंचेस पे विलेज पीपल बैठे हुए थे और विलेज पीपल बच्चों की तरह बैठे हुए थे मतलब बूढ़े बुजुर्ग जो थे ना विलेज के वो लोग बैठे हुए थे आप ओल्ड हॉजर देख लो थ्री कॉर्नर के आया था फॉर्मर मेयर देख लो फॉर्मर पोस्टमास्टर देख लो बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे तो आज तो इसको लग रहा था कि दाल में कुछ काला है यार आज ही ऐसा क्यों है कि ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारी तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या चल रहा है ये हाँ ऐसा उसने सोचा अच्छा यहाँ पे इसके अलावा उसके दिमाग में एक सवाल इस चीज को लेकर भी उठा कि सब लोग इतने ज्यादा सैड क्यों दिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा सब लोग इतने ज्यादा सैड क्यों दिख रहे हैं तो ऐसा भी उसने सोचा अब जब वो ये सारी चीजों के बारे में वंडरिंग यानी सोच रहा था इतने में एम अपनी चेयर को खिसकाते हैं और उसी ग्रेव और जेंटल टोन में एम की टोन क्या है कभी कभी क्या होता है बच्चों आपसे ना पूछ लिया जाता है मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए क्या क्वेश्चन दे दिया जाए माई to इज only German फ्रॉम the टू टीच ओनली and इन द new ऑफ comes लुरेन द न्यू मास्टर लास्ट फ्रेंच लेसन आई want यू टू बी वेरी अटेंटिव अगर बाई चांस आपको ये कोट करके दे दिया जाए और बोले एमएमएल की टोन क्या थी तो फिर क्या आंसर लिखोगे इसीलिए मार्क कर लो उनकी टोन क्या थी ग्रेव और जेंटल कैसी थी बच्चों उनकी टोन ग्रेव और जेंटल जब उन्होंने यहां पर हमारे पूरे के पूरे स्टोरी का मेन आइडिया शेयर किया बच्चों ये है हमारे स्टोरी का मेन आइडिया ये सब कुछ जो है वो क्यों हो रहा था इसके लिए हो रहा था क्योंकि फ्रांस जो है वो एक युद्ध में था जी बिल्कुल ये पूरी स्टोरी जो है नोट करोगे फ्रेंको प्रशियन वॉर की है फ्रैंको प्रशियन वॉर फ्रैंको प्रशियन वॉर की स्टोरी है जहां पर फ्रांस हार गया था इसी वजह से प्रशिया ने क्या किया प्रशिया ने उनको उनकी जगहों को हड़पा डोमिनेट करना शुरू किया अपना कल्चर अपना लैंग्वेज थोपना शुरू किया सॉरी ठीक है तो अपना लैंग्वेज थोपना शुरू किया और यहीं पे इसी दौरान जो है उन्होंने एल्साज और लोरेन नाम के दो छोटे टाउन जो है उनकी लैंग्वेज को खत्म करने का डिसाइड किया उन्होंने कैसे उनकी लैंग्वेज खत्म की ऑर्डर निकाल कर कि अब इनके स्कूल्स के अंदर फ्रांस ना फ्रेंच ना पढ़ाकर यू नो you know, क्या पढ़ाई जाएगी जर्मन पढ़ाई जाएगी अगर बच्चों के अंदर पहले से ही जर्मन डाल देंगे उनको जर्मन ही सिखाएंगे फ्रेंच सिखाएंगे ही नहीं तो ऑफकोर्स वो अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे ठीक है ऐसा उनका मानना था तो इसी वजह से आज जो था वो आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला था और कल से जर्मन पढ़ने वाला था बच्चा बच्चा अल्साज और लोरेन का ठीक है ठीक है तो ये हमारा मेन आइडिया और इस मेन आइडिया को एम एम एल ने डिलीवर किया है कौन सी टोन में डिलीवर किया है ग्रेव और जेंटल टोन में चलो आगे बढ़ते हैं अब बच्चों सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है इन्वर्टेड कॉमास लगाकर वो ये है वॉट थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी एकदम से जब यहाँ पर सुनाई दिया फ्रांस को ये सब कुछ तो फ्रांस में तो एक धूमता ना धुमता ना धुमता ना उसको ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया है ये क्या है ये क्या बोल रहा है हाँ तो ये ये जो शब्द थे ये उसके लिए थंडर क्लैप थे किसी आ, बिजली से कम नहीं थे क्योंकि उसे ब, ब, ऐसा लग रहा था उसके ऊपर बिजली गिर गई है तूफान आ गया है आसमान गिर चुका है क्योंकि उसे अभी जो है वो रिमोर्स और रिग्रेट की फीलिंग होने वाली थी ठीक है ठीक है रिमोर्ट्स और रिग्रेट की फीलिंग होने वाली थी क्यों होने वाली थी बच्चों कभी कभी क्या होता है हम किसी चीज को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे ले रहे होते हैं हम इतना ज्यादा यू नो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हमारे पढ़ाई को हमारे आज को हमारे टाइम को एंड देन जब हमें पता चलता है कि जो चीज हमारे पास में फ्रीली अवेलेबल थी आज वो हमसे छीनी जा रही है तब जाकर हमें उसकी वैल्यू होती है फ्रांस और बाकी सारे लोगों के साथ में भी एग्जैक्टली exactly यही हो रहा था अब उसे समझ में आ रहा था कि टाउन हॉल पर यह लगा हुआ था उसे लग रहा था आज उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है और अब उसके अंदर कौन सी फीलिंग आने वाली है बच्चों रिग्रेट की मान लो क्वेश्चन पूछ लू मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं सारे बच्चों से वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर आई मस्ट स्टॉप एंड देन Oh, how sorry i was for not learning my lessons for seeking birds eggs or going sliding on the sar my books that had seemed such a nuisance a while ago so heavy to carry my grammar my history of the saints were an old friend were old friends now that i couldn't give up agar absa sawal puchuki ya par france ki feeling here? ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांसिस की फ्रांस की फीलिंग कैसी थी तो जरा मेरे को बताएंगे कि वो क्या फील कर रहा है हाँ जी कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे जरा कि वो क्या फील कर रहा है थोड़ा जल्दी से बता देंगे

हाँ और आप मेरे को मेरे को लर्न करना ही छुड़वा रहे हो मेरे को तो इतना बुरा लग रहा था कि मैंने अभी तक पढ़ाई करी क्यों नहीं मतलब मैं क्यों बर्ड्स के एग्स को सीख करने निकल जाता था क्यों सार सार क्या है बच्चों सार फ्रांस में एक रिवर है तो मैं रिवर के पास में किनारे पर खेलने चला जाता था अरे ये बुक्स तो मुझे अभी तक एक बोझ लग रही होती थी ये बुक मेरी ग्रामर मेरी हिस्ट्री अब एक पुराने दोस्त की जैसे लग रही थी जिन्हें मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था जिन्हें मैं अपने साथ रखना चाहता था ठीक है तो ये फीलिंग क्या दिखाती है पछतावा कि चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते आगे देखो अच्छा अभी तक उसे कैसे लग रहे थे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या मारेंगे पीटेंगे डांटेंगे क्या करेंगे पर जैसे उसको पता चला कि एम एम एल जो है वो जा रहे थे दईडिया दैट ही अवे कि वो वापस उन्हें कभी नहीं देख पाएगा ये आइडिया से ही फ्रांस भूल चुका था कि वो कितने ज्यादा क्रैंकी थे ठीक है कितने ज्यादा क्रैंकी यानी कितने ज्यादा एरोगेंट थे तो फ्रांस को अब अब बिल्कुल याद नहीं था के, आ, उन दोनों के बीच में छत्तीस का आंकड़ा हुआ करता था या वो दोनों आ, आ, you know, उनको फ्रांस को बहुत डाटा करते थे MML, बहुत डर लगता था से। अब उसे सिर्फ एक ही चीज याद थी और वो ये था कि एम एम एल जो है एम एम एल एक्चुअली उसके लिए एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने उसकी मदद की है फ्रेंच पढ़ने में और अब वो छोड़कर जा रहे हैं और अब वो एम एम को वापस कभी नहीं देखेगा ठीक है अब जाकर उसे पता चला कि अच्छा ये रीजन है कि एमएमएल ने अपने संडे क्लोथ पहने थे बच्चों अभी पीवाई क्यूज में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे तो आपको रियलाइज होगा ये जो पुअर मैन वाला पैराग्राफ है इससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं ठीक है ये पुअर मैन वाले पैराग्राफ से यहाँ पर पुअर मैन क्यों बोला गया है बच्चों एमएमएल को इसके लिए बोला गया है क्योंकि एमएमएल क्या थे हेल्पलेस थे एरो निकाल कर लिख लो हेल्पलेस ठीक है तो यहां को सेलिब्रेट करने के लिए ही अपने फाइन संडे क्लोथ पहनकर आए थे और यहीं पर यहीं पर एक क्वेश्चन बनेगा कि अच्छा फिर विलेजर्स क्यों पीछे बैठे हुए थे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तीन चीजें मेंशन करके देना है पहला क्योंकि वो लोग सॉरी थे ठीक है क्योंकि वो लोग सॉरी थे यानी वो रिग्रेट कर रहे थे ठीक है दूसरा पॉइंट लिखोगे क्योंकि वो क्या करना चाहते थे वो थैंक करना चाहते थे हमारे मास्टर यानी एमएमएल को किसके लिए चालीस सालों की फेथफुल सर्विस के लिए तो दूसरा पॉइंट लिखोगे कि वो ग्रेटफुल थे दूसरा पॉइंट हो गया ग्रेटफुल थे तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट वो वहां क्यों मौजूद थे क्योंकि वो क्या करना चाहते थे रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे उस कंट्री के लिए जो कंट्री अब उनकी नहीं थी जो कंट्री अब उनकी नहीं थी ठीक है क्या ठीक है क्या तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपको ये तीन चीजें मेंशन करनी है क्योंकि वो रिग्रेट regret थे रिग्रेटफुल थे वो ग्रेटफुल थे और वो रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे कंट्री के लिए जो अब उनकी नहीं थी अब वो ये सारी चीजों को सुन रहे थे और सुनते सुनते अब उनका टर्न आ गया था डिसाइड करने का याद है चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हमने पार्टिसिपल्स का डिस्कशन किया था हमने डिस्कस किया था कि कैसे एम एम uh, you know, आज सब लोगों को क्वेश्चन करने वाले थे पार्टिसिपल्स पे एग्जैक्टली exactly वही है अब उनकी बारी आ चुकी थी पार्टिसिपल्स को रिसाइट करने की इस टाइम पे हमें याद आता है कि हमें फ्रांस ने अभी भी बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर कि उसने तो पढ़ाई नहीं किया है तो जब उसने पढ़ाई नहीं किया तो क्या रिप्लाई करेगा यहाँ पे पॉसिबली क्या ही कर लेगा है ना तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो गया जब उसकी साई रिसाइट करने की तो उसने क्या किया उसने वहां पर पहले ही वर्ड्स के अंदर बट आई गॉट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूडे वो पहले ही कुछ वर्ड्स के अंदर फंबल कर गया <coughs> <coughs> ठीक है तो वो यहीं पर फंबल कर गया पर बच्चों यहाँ पर उसका इमोशन क्या था यहाँ पर उसका इमोशन ये था कि यार मैं क्या नहीं कर देता उस वक्त उन रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स को एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलने के लिए एकदम पटर पटर सब कुछ बता देने के लिए पर असलियत में क्या हुआ वो पहले कुछ वर्ड्स के अंदर ही फंबल कर गया और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एम एम एल से नजरें मिला सके अब ऐसे में एम एम एल ने एक और अलग रिएक्शन दिया अगर नॉर्मल डे होता तो शायद MML उसकी पिटाई कर देते बट आज कुछ अलग था आज एम ने उसे कहा आई लिटिल नहीं डाटूंगा प्यारे फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड तुम्हें खुद को बुरा लगना चाहिए बोला मैं नहीं डांटूंगा तेरे को तेरे को खुद फील होना चाहिए कि तूने आज क्या किया है ठीक है फिर उन्होंने बोला कि ये जो है यहां पर वो एक्सप्लेन हमें क्या कर रहे हैं ह्यूमन टेंडेंसी लिखेंगे साइड में ह्यूमन टेंडेंसी वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है क्या होती है ह्यूमन टेंडेंसी अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है मैं कल पढ़ लूंगा ये देखो भाई कहा लेकर आ गया है तुम्हें कल तो ये है 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 क्या है? Procrastination. Procrastination का मतलब होता है, आप बैठे हो यही हो रहा है यहाँ पे हम लोग सोचते हैं थे आ, कल पढ़ लेंगे यार इसको कल परसों कंप्लीट कर लेंगे ये तो दो दिन का ये तो तीन दिन का पर वो कल दो तीन दिन कभी नहीं आते हैं So, जो प्रोक्रास्टिनेशन है उस ह्यूमन टेंडेंसी को यहां पर एम बच्चों को समझाना चाहते हैं इसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा इसका नतीजा क्या निकलेगा इसका नतीजा यह है दैट नाउ फेलोज़ आउट विल हैव द राइट टू नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज बोला अब उन लोगों को हक मिल जाएगा ये कहने का कि क्या क्या, क्या खा तुम फ्रेंच मैन हो जब तुम्हें ना बोलना आता है ना लिखना आता है फ्रेंच ऐसा उन्होंने यहां पर कहा बट इसके बाद में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही और वो ये था कि यहाँ पर हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है फ्रांस सिर्फ उसकी गलती नहीं थी उन्होंने यहां पर कहा वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्विथ रिप्रोच का मतलब होता है टू ब्लेड उन्होंने कहा सिर्फ तेरी गलती नहीं है हम सबकी गलती है हम सब का ब्लेम यहां पर है किन किन सबकी नंबर वन पेरेंट्स पेरेंट्स की गलती है क्यों भाई पेरेंट्स की क्यों गलती है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को कहां पर भेज दिया करते थे फार्म या मिल पे नंबर टू एमएमएल की गलती है एमएमएल की क्यों गलती है क्योंकि एमएमएल या तो अपना काम करा लेते थे बच्चों से पढ़ाई छोड़कर अदर वर्क करा देते थे, थे, थे या फिर हॉलीडेज दे दिया करते थे ठीक है क्या तो यहां पर उन्होंने इन दोनों की गलती बताई उन्होंने कहा योर पेरेंट्स वर नॉट एंश इनफ टू हैव यू लर्न पहले तो उनकी गलती बताई उन्होंने फिर खुद की गलती बताई कि यार मैं कितनी बार तुम लोगों को मेरे पौधों को पानी देने भेज दिया करता था जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था है ना तो उन्होंने दोनों की गलती यहाँ पर बताई है कि बच्चों की तो गलती है ही है कि वो सीरियसनेस सीरियसनेस के साथ पढ़ नहीं रहे थे पर हम दोनों की गलती भी है इसके बाद में उनके अंदर से पेट्री जाग उठा लैंग्वेज को लेकर प्यार जाग उठा और वो हमें कहाँ देखने को मिलता है मान लो आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई देर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन लव फॉर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक शोवनिज्म ठीक है एक्सप्लेन एक्सप्लेन विद एविडेंसेस एविडेंसेस या textual evidences. ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे अब यहां पर आपको लिंग्विस्टिक uh, का तो पैराग्राफ मिल गया है, जो मेन आइडिया है वो लिंग्विस्टिक है ये रहा लिंग्विस्टिक शोवनिज्मिकॉवनिज्म का मतलब होता है लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज शॉवनिज्म का मतलब होता है डोमिनेशन तो लैंग्वेज का डोमिनेशन यहां पर चल रहा है ये तो हमें पता चल ही गया है ना तो इस पैराग्राफ को कोट कर देंगे अगर लव फॉर लैंग्वेज की बात की जाए तो लव फॉर लैंग्वेज वाला पैराग्राफ कहा मिलेगा मैम मुझे यहां पर मिलेगा यहां पर, यहां पर MML क्या कहते बच्चो एम एम एल कहते हैं बच्चों कहते हैं वेंट ऑन टू ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियर द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट बताना चाहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज से इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज फ्रेंच है सबसे क्लियर लैंग्वेज फ्रेंच है सबसे लॉजिकल है हमें इसे गार्ड करके रखना चाहिए क्योंकि यही है जो हमें इस प्रिजेंट से छुटकारा दिला सकती है सो दिस इज लव फॉर लैंग्वेज समझे क्या हल्लो जी ओके okay. hmm, क्या होता है हाँ जी इसके बाद में क्या हुआ इसके बाद में फाइनली उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो पहले उन्होंने ग्रामर पढ़ाना शुरू किया लेसन दिया अपना अब जब यहाँ पर फ्रांस पढ़ रहा था तो उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि वो किस तरीके से एक एक चीज अच्छे से समझ पा रहा था सब कुछ जो एम एम एल कह रहे थे वो इतना आसान लग रहा था क्योंकि शायद उसने कभी इतने केयरफुली सुना ही नहीं था या फिर शायद एम एम एल ने इतने पेशेंस के साथ कभी समझाया ही नहीं था तो आज फ्रा, फ्रांस जो है वो बड़े ही केयरफुली सुन रहा था और एम एम एल बड़े ही पेशेंस के साथ पढ़ा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे एम एम एल सब कुछ एक बार में बच्चों के दिमाग में डाल देना चाहते थे बच्चों पहले ग्रामर का लेसन हुआ फिर ग्रामर के बाद में राइटिंग का लेसन हुआ याद रखनी है ये चीजें तो ग्रामर के बाद में राइटिंग का सेशन हुआ जब राइटिंग का सेशन हुआ तो एमएमएल उनके लिए क्या लेकर आए नई कॉपीज लेकर आए नई कॉपीज जिन पे ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखा हुआ था फ्रांस फ्रांस फ्रांसलैस जिसको बच्चों को इमिटेट करना था तो बहुत ही खूबसूरत नई कॉपीज वो लेकर आए थे जिसपे ब्यूटीफुल राउंड हैंड से फ्रांस फ्रांसैस लिखा हुआ था राइट ये कॉपीज कैसी लग रही थी ये कॉपीज लग रही थी फ्लैग्स की तरह ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कौन सा लिटरी डिवाइस प्रेजेंट है फ्लैग्स फ्लोटिंग में फ्लैग्स फ्लोटिंग में कौन सा लिटरी डिवाइस प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे एलिटरेशन एलिटरेशन प्रेजेंट है क्योंकि फ फ का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है आपको वहां पर देखना चाहिए था कि कैसे सारे लोग काम पर लगे हुए थे कैसे सब कुछ बहुत ही शांत था इकलौती आवाज जो आ रही थी वो आ रही थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर इकलौती आवाज आ रही थी तो सिर्फ आ रही थी पेन को स्क्रैच करने की पेपर पर यह इकलौती आवाज थी अदरवाइज कोई भी शोरगुल नहीं कर रहा था ठीक है अच्छा इसके बाद में कुछ बीटल्स कमरे में आ गए पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया ठीक है छोटे बच्चे भी उनके साथ में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए नॉट इवन द वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू छोटे छोटे बच्चे जो कि ड्राइंग कर रहे होते हैं यूजुअली अगर आप उन्हें कुछ बना कर देते हो तो वो वो क्या कर रहे होते हैं कॉपी कर रहे होते हैं तो वो भी बेचारे यहाँ पर फिश हुक्स जो है वो कॉपी कर रहे थे ड्रॉ कर रहे थे और इतनी शिद्दत से कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये भी फ्रेंच ही है ठीक है तो किसी ने भी यहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं देखा कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ एवरी वन वॉज सेट टू वर्क ऑल राइट फिर क्या हुआ ऑन द रूफ द पिजिन खूड वेरी लो रूफ पे पिजेंस बहुत ही रूफ पे बहुत ही धीरे कू कर रहे थे बहुत ही धीरे कू कर रहे थे बहुत ही यू uh, नो you know, ऐसा लग रहा था बहुत ही सैड है वो और उस टाइम पर फ्रांस ने रियलाइज किया विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द दिजेंस बच्चों ये लाइन क्या बताती है ये लाइन क्या अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसे एक्सप्लेन कर दो तो क्या एक्सप्लेन करोगे कि फ्रांस को लग रहा था कि इतनी पावर है तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम हमसे हमारी मदर टंग छीन सकते हो तो नेचर से भी उनकी मदर टंग छीनोगे क्या पिजन्स को भी अब आकर बोलोगे कि नहीं नहीं फ्रेंच में कू मत करो जर्मन में कू करो हाँ क्या इतना इतनी ताकत है तुम्हारे पास में कि तुम अब नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो इसके बाद में उन्होंने एमएमएल को देखा एमएमएल मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए थे वो पहले एक चीज को देख रहे थे फिर दूसरी चीज को देख रहे थे मानो जैसे सब कुछ अपने दिमाग में फिक्स कर देना चाहते हो कि इस रूम में सब कुछ कैसा दिखता था और क्यों ना क्योंकि 40 साल से वो सेम रूम के अंदर थे अगर कुछ बदला था तो बस इतना कि डेस्क और बेंचेस जो है वो थोड़ी घिस चुकी थी वॉलट ट्रीज जो है वो थोड़े बड़े हो चुके थे और होपवाइन जो है वो रूफ तक पहुंच गई थी बेचारे का दिल ही टूट गया होगा जब उन्होंने सुना होगा कि उनकी सिस्टर जो है वो उनके ट्रंक्स पैक कर रही है उनकी पेटियां पैक कर रही है सवाल उठता है क्यों इसके लिए क्योंकि उन्हें कंट्री छोड़कर अगले दिन जाना था उन्हें कंट्री छोड़कर अगले दिन जाना था मैम उन्हें कंट्री क्यों छोड़नी पड़ रही है क्योंकि टीचर से टीचिंग छुड़वा दीजिए पर टीचिंग कभी टीचर को नहीं छोड़ती है ठीक है एक टीचर जहां पर भी होता है वो कुछ ना कुछ सिखाता ही है और अगर यहां पर एम को छोड़ दिया जाएगा तो एम एम यहाँ पर लोगों को चाहे स्कूल में ना जाकर पर पीछे से फ्रेंच सिखाते रहेंगे तो प्रशिया का जो एग्जैक्टली exactly ऑब्जेक्टिव है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा एंड दैट इज वाई वो चाहते थे कि यहां पे इनको कंट्री से निकाल दिया जाए पर उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो हर एक चीज आखिरी तक सुने जा रहे थे राइटिंग के बाद में क्लास लगी हिस्ट्री की तो पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों ग्रामर फिर हमने क्या पढ़ा राइटिंग फिर हमने क्या पढ़ा हिस्ट्री ठीक है अच्छा अब यहाँ पर बच्चे भी अपने अल्फाबेट्स को चैंट कर रहे थे ठीक है हॉजर भी उनके साथ में अल्फाबेट्स को चैंट करने लगा और फिर उसके बाद में चैंट करते करते वो भी बेचारा रोने लगा रोते रोते उसकी आवाज़ क्या करने लग गई ट्रेम्बल करने लग गई उसको सुन के फ्रांस ने बोला We all wanted to laugh and cry. उन्होंने बोला उसकी आवाज़ इतनी funny लग रही थी कि उसे सुन के हम लोग रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे मुझे एक एक बात याद है उस last lesson की इतने में क्या होता है इतने में बारह बज जाते हैं और एंजलिस का time हो जाता है जो कि afternoon prayer है उसी टाइम पर प्रशियन सोल्जर्स ट्रम्पेट ब्लो करने लग जाते हैं ठीक है कहां पर ब्लो करने लग जाते हैं अंडर विंडोज विंडोज के नीचे आके ट्रम्पेट ब्लो करने लग जाते हैं सिग्नल करने लग जाते हैं कि भाई हो गई तुम्हारी क्लास अब निकलो यहां से इस टाइम पर एमएमएल खड़े रहते हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है वो वहां पर चेहर किसकाकर वहां पर खड़े होते हैं और फैन एक कमेंट करता है और वो कहता है आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल मैंने जीवन में उनको ऐसा नहीं देखा कहने का मतलब है कि आज एमएमएल के लिए फ्रांस की नजरों में उनका कद जो है वो ऊंचा हो गया था उनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी एमएमएल वहां पे फेयरवेल देना चाहते थे स्पीच देना चाहते थे पर एमएमएल वो दे नहीं पाए समथिंग चोक दे वो रुक गए और उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाए इसीलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा एक पीस ऑफ चॉक लिखा लिया और अपना पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा उन्होंने लिख दिया वीव ला फ्रांस जुग जुग जियो फ्रांस एंड देन उसके बाद में वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कहना तो बहुत कुछ चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे एंड बिना किसी एक वर्ड के उन्होंने एक हैंड जेस्चर किया ठीक है एक जेस्टर किया स्कूल इज डिसम यू मे गो स्कूल पूरा हो चुका है अब तुम जा सकते हो और इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया ठीक है तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर मेन आइडिया आने वाले बीच बीच के सारे क्वेश्चन सब कुछ हाईलाइट करते हुए बताते हुए ये चैप्टर को मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को मेरे साथ में यहाँ पर सुन लिया है तो चैप्टर का रिविजन भी हो गया है एंड आई एम श्योर कि इसके साथ में आपने अगर ये सब मार्क कर लिया है तो इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हो फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि आए हैं द लास्ट लेसन से है ना जी एनर्जी दिखाओ ना थोड़ी तो हाँ जी हाँ जी मज़ा आया या नहीं आया पीवाई क्यूज़ करने मज़ा आया नहीं आया हो गया बढ़िया रिवीजन बढ़िया बढ़िया ठीक है ठीक है पोएट्री सेक्शन भी कराएंगे आंसर पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हैं मेरी जान इंग्लिश में आंसर्स पॉइंट में नहीं लिखते हैं पैराग्राफ में ही आंसर्स लिखते हैं मैंने आंसर राइटिंग सीरीज ऑलरेडी इस पर कराई हुई है यूट्यूब पे आपके चैनल ना साइंस अड्डा पर इस पर कराई हुई है एक बार चेक करना मैं प्लेलिस्ट बनवा देती हूँ उसकी इसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगी आपके लिए जितना जो भी मैंने इसमें मार्क किया ना वो सब कुछ आपको वर्ड में मिल जाएगा ताकि आप उसको चाहो तो प्रिंट करा लो और चाहो तो अपने हिसाब से मार्क कर लो ये जो लिखा है ना ये भी मिल जाएगा अंशुमन तुम पहले से ही ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हो याद रखना तुम लंबी रेस के घोड़े हो मेरे हाँ सौ नंबर से एक नंबर नीचे नहीं चलेगा ओके okay, पीवाईक्यूज देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि व्हाई वाज एमएमएल ड्रेस्ड इन फॉर्मल क्लोथ्स इन द स्कूल पूछा था ना अभी पढ़ाते वक्त यही क्वेश्चन मार्क कराया था ना कि ऐसा क्यों वो पहन कर आए थे क्योंकि पुअर मैन वाला वाला देखो पुअर मैन वाला जो पैराग्राफ था क्योंकि आज उनका आखिरी लेसन था वो ऑनर में इस ऑनर में आखिरी लेसन के अपने संडे क्लोथ्स पहनकर आए थे यू रियलाइज द ट्रू वैल्यूंग ऑन लूज इट कॉमेंट ऑन दिसमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन भाई यहाँ पर हमेशा जब भी कोई चीज हमारे पास अबंड है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं पर जब वो चीज हम लोगों को मिल जाती है अब हम, हमारे हाथ से खो जाती है सॉरी तो हम लोगों को उसकी वैल्यू पता चलती है तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब कोई चीज अबंडस में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है वाई वॉज दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन a th thunderclap फॉर फ्रांस ठीक है हमने मार्क भी किया है क्योंकि फ्रांस के लिए वो बहुत ही ज्यादा shocking था ठीक है फ्रांस बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था एट द सेम टाइम वो रिग्रेट कर रहा था क्या रिग्रेट कर रहा था कि यार अभी तक मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता है पढ़ना भी नहीं आता है और मैं तो अपना पूरा का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ बर्ड ये वो ये सब कुछ करने में ही निकाल रहा था लेसन हाँ ये भी हम लोगों ने मार्क किया तीन आंसर्स मार्क करवाए थे इसके ठीक है क्या मेंशन करोगे क्योंकि वो सॉरी थे क्या मेंशन करोगे कि वो थैंकफुल थे क्या मेंशन करोगे कि वो एट द सेम टाइम क्या करना चाहते थे रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे डेड एम एम एल गिव फर फ्रेंड्स नॉट नोइंगल ने कहा कि भाई तेरा तो कोई टेंशन नहीं है ये पूरे अल्सास का प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेट करते हो हर चीज कल पे टालते हो कल देखो आज कहाँ लेकर आ गया हम सबको और गलती हम सबकी है इसके अंदर सिर्फ तुम्हारी नहीं है नेक्स्ट देखो हुम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज लाइक फ्रेंड बच्चे बच्चे हो बच्चे तो बच्चे है पर सबसे बड़ी गलती किसकी थी पेरेंट्स और एम एम एल ने बोला की मेरी खुद की भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है

ठीक है वही चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि कैसे उन्होंने लव जो है वो शो किया देख रहे हो हमने जो जो चैप्टर के अंदर मार्क किया है जो जो क्वेश्चन मार्क कराती जा रही वो सारे के सारे क्वेश्चन पीवाई क्यूज में दिखते जा रहे हैं तो अगर अच्छे से चैप्टर की एनसीआरटी हाईलाइट सुन लोगे ना तो पीवाई क्यूज में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वॉट वॉज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज दैट कॉज चेंज इन द स्कूल न्यूज मेन आइडिया लिख देना यहाँ पे क्या न्यूज आई थी

why does mml reproach himself for his students' unsatisfactory progress in studies? because he was actually he was amazing teacher but at the same time uh, uh, unko jeb realized hua that he also has made mistakes so unko bilkulbi sharum in accepting that he has done some mistakes and he doesn't want anyone else to repeat them What words did MML write on the blackboard before dismissing the class? What did it mean? We've love France, मतलब long live friends. वो चाहते थे कि सबको ये message दे कि education से ही हम अपने देश को बचा सकते हैं. What made MML cry towards the end of this uh, last lesson? 40 साल के बाद, 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद, 40 साल की यादों को छोड़कर, वो देश छोड़कर यहाँ से जाने वाले थे. He was feeling helpless. The order from Berlin created a great enthusiasm in school. Comment. बर्लिन से ऑर्डर नहीं आता तो स्कूल वाले एजुकेशन और फ्रेंच को लेकर सीरियस नहीं होते ये समझाना है। The order ऑर्डर फ्रॉम banning teaching of फ्रेंच stunned everyone. Comment? दोनों में उल्टा है मैसेज एक ही है कि लिखना अलग अलग तरीके से Our language is part of our culture, and we are proud of it. Describe how regretful MML and the villagers are for having neglected their native language. Language, आपके tradition, आपके culture, आपके identity का हिस्सा होता है. जब आप language छोड़ देते हो, तो आप अपना part, culture, tradition और identity का भी छोड़ देते हो. कभी भी अपनी language, अपनी roots को नहीं छोड़ना चाहिए. और ये बात इन लोगों को तब realize हुई जब burden से order आया, इनकी language इनसे छीन ली गई.

Everyone wanted some more time to learn their language. What does it mean when MMS says we have all a great deal to reproach ourselves with pura paragraph Jumakya explain Karna? Hai. ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन पर्टिकुलर जील इन द स्कूल फर्स्ट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है बर्लिन से ऑर्डर नहीं आता तो कोई भी इस चीज को लेकर जागरूक नहीं होता कि उनकी लैंग्वेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें लैंग्वेज को कितना महत्व देना चाहिए और उनकी लैंग्वेज ही उनके आइडेंटिटी का यू नो फॉर्मेशन करता है इसके साथ में लास्ट लेसन की एनसीआरटी हाल है जो पी वाई क्यूज हो गए कंप्लीट आपको पी डी एफ मिल जाने वाली है और आप पी डी एफ डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से कम्युनिटी से या फिर लर्न ऑनविच प्रस से जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा इसके एडिशन के अंदर आपको बता देती हूँ कि हम लोग ऐसी क्लासेस बाकी चैप्टर्स के लिए भी लगाने वाले हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करोगे ठीक है और अगर आज की क्लास पसंद आई तो यार प्लीज प्लीज लाइक like जरूर करना क्लास को ठीक है लाइक like करना चाहिए तो स्पैम ही कर देना ठीक है यहां पर हम लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर स्पैम चाहिए जुनून ठीक है फटाफट से स्पैम कर देना और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास आज है ढाई बजे जब राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग करने वाले हैं तो मेक श्योर दैट यू प्रेजेंट फॉर दैट क्लास एंड एल सी इन द नेक्स्ट मंथ ओके ओके अच्छा इनमें से अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो एक क्रैश कोर्स ढूंढ रहा है इंग्लिश का ठीक है एक सारी चीज़ें एक ही जगह ढूंढ रहा है तो संकल्प इंग्लिश इज़ देयर फॉर यू ठीक है संकल्प इंग्लिश का आप हिस्सा बन सकते हो जहां पर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा ई e बुक्स मिलेंगे मॉक पेपर्स मिलेंगे सब कुछ अवेलेबल होगा ठीक है इट रिटेल्स फॉर सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री रुपीज़ ठीक है आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एट द सेम टाइम अगर आप सिक्स हंड्रेड सिक्सटी थ्री रुपीज वाली स्पेशल प्राइस चाहते हो तो व्यू ऑफर्स में जाके हमारे आर्मी का कोड एस डी सी एटीन लगाना होगा उससे आपको आपका स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री रुपीज के अंदर आपको इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिल जाएगा ओके okay? लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है ना आई होप टू सी यू ऑल देयर ऑल्सो है ना चलो चलो ठीक है आई लव यू गाइज आई लव यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आई लव यू Tchau, ok, bye bye, take care.